कान में से पस या ईयर डिस्चार्ज, ये काफ़ी कॉमन कंप्लेन है जिसके साथ पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं। उनको कान में दर्द हो रहा होता है, कान में भारीपन या कान में फुलनेस होती है, हो सकता है एसोसिएटेड ईयर इचिंग हो, कान में खुजली हो, जिसके लिए लोग ईयरबड इस्तेमाल कर रहे हैं। ओटाइटिस एक्सटर्ना मतलब बाहर का पोर्शन जिसमें स्विमर्स ईयर, फंगल इन्फेक्शन और एलर्जी कॉमन है। स्विमिंग के मौसम में अक्सर पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि कान में पानी चला गया है। फंगल इन्फेक्शन भी काफ़ी कॉमन है जो कि मॉइस्चर या डायबिटिक्स में ज़्यादा होता है। जो लोग ईयरबड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको जनरली एलर्जी या डर्माटाइटिस हुआ होता है। ओटाइटिस मीडिया मतलब कान के अंदर से पानी आना या पस आना। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया 3 हफ्ते से कम अगर पेशेंट को कान में से पस आए, अगर उसके नाक में कोई एलर्जी हो जिसकी वजह से उसके कान में से पस आए, या फिर 3 हफ्ते से ऊपर अगर कोई कंडीशन लास्ट करती है तो उसे क्रॉनिक बोलते हैं। कंफ्यूजिंग कंडीशंस, हो सकता है पेशेंट के से वैक्स ही हो और पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये ईयर डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज नहीं है, वैक्स है। कभी कोई फॉरेन बॉडी कान में रह जाए जैसे कॉटन, तो वह ईयर डिस्चार्ज कर सकती है। अपने आप दवाई ना लें, कोई भी तेल गर्म करके ना डालें, अपने डॉक्टर से मिलें। आपका डॉक्टर आपके कान को एग्जामिन करके देखेंगे, उसको क्लीन करेंगे, उसमें से वैक्स रिमूव करेंगे या फंगस रिमूव करके देखेंगे। हो सकता है नाक को भी एग्जामिन किया जाए या नाक का एक्सरे या सीटी कराया जाए, और कान का सीटी स्कैन भी कराया जा सकता है ये देखने के लिए कि कान की हड्डी गल तो नहीं रही। मोस्ट कॉमनली एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और ईयर ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो कि हमें कान में डालने होते हैं। उसको डालने का करेक्ट तरीका है, बच्चों में कान को नीचे की तरफ खींचें और पीछे की तरफ, और बड़े बच्चे और अडल्ट्स में कान को ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ खींचें और फिर कान के अंदर ड्रॉप्स डालें जिससे वे अंदर तक जाएं। कुछ भी हो, आप अपने कान में ईयरबड ना इस्तेमाल करें, किसी तरीके से भी कान के अंदर खुजली ना करें, खासकर पेन, पेंसिल और माचिस की तिल्ली ना डालें कान में। थैंक यू।